दोस्तों, ये आपको जो दिखाई दे रही है ये मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी तालाब है। यहाँ पर बहुत सारे दर्शक इसे देखने आते हैं और देखिए इसका जो नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत है। और इसके चारों साइड में बिल्डिंग्स बनी हुई है, रोड भी बना हुआ है। और गर्मियों के दिनों में ऐसी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। देखिए सारा नज़ारा कितना अच्छा है, लोग नहा रहे हैं। कमला पार्क है, ये बड़ी तालाब है जो राजा भोज ने जिसका निर्माण करवाया था यहाँ की जनता, आम जनता के लिए पानी की समस्या को दूर करने के लिए। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं और जब हमको पता चला कि ये बहुत अच्छी जगह है और देखनी चाहिए तो फिर हम भी इधर आए। तो मैं तो इसके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे को एक शेर याद आ रहा है कि गुले गुलशन आबाद जहाँ कहते हैं और जहाँ खूबसूरती नज़रों से बहती हो उसे एमपी का भोपाल कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और देखिए ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों पर बेहद खूबसूरत ढंग से मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं जो बेहद खूबसूरत हमको दिखाई दे रहे हैं। हम उधर जा तो नहीं सकते, कुछ टाइम पहले हमने बोट राइडिंग भी की, बहुत मज़ा भी आया। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है यहाँ पर कि इस बड़ी तालाब के अंदर बीचों बीच राजा भोज की प्रतिमा लगी हुई है जो बेहद ही खूबसूरत थी। ठीक है, और उसको आप देखोगे और फिर इस बड़ी तालाब के अंदर हमें सबसे अच्छा एक चीज़ और देखने को मिली कि यहाँ पर एक जैसे आइलैंड होता है उस टाइप से एक अलग ही जगह थी, अलग ही टाइप था उसका और बेहद खूबसूरत वो आइलैंड था जिस पर कुछ पेड़ भी थे। तालाब ये जो तालाब राजा भोज की नदी, वो लगी राजा भोज की मूर्ति वो फाउंटेन के पास। अच्छा अच्छा, सुन करके देखो मोबाइल से दिखेगी, मोबाइल ले खड़े हो। दोस्तों, माना जाता है इस बड़े तालाब को राजा भोज ने बनवाया था और जो आपको सामने अभी दिखाया था वो भोज सेतु है जिस पर राजा भोज की एक मूर्ति बनी हुई है। बता दूं दोस्तों, इस तालाब में तैरना इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है यही 36 किलोमीटर लंबा तालाब एक समुद्र की भांति दिखाई देता है। और इसके अंदर आप जाओगे तो इसकी ये लहरें होती हैं आपको बाहर की तरफ फेंकती हैं, अगर इसकी दिशा विपरीत हुई तो आपको अंदर ले जाएंगी। इसलिए मुझे भी बोला गया कि मैं अंदर ज़्यादा ना जाऊं, इसलिए मैंने भी सोचा कि जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे पता चला कि मुझे अपनी ताकत से दुगनी ताकत इसके अंदर लगानी पड़ रही है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से थैंक्स। और ये कुछ एक क्लिप बची थी तो मैंने सोचा इसको भी डाल दें। आप इस तरह बड़े तालाब में आकर एंजॉय कर सकते हैं और ये भोपाल जो झीलों की नगरी है इसमें एक अलग ही मज़ा है यहाँ पर आने का। इसलिए जब भी आएँ तो एक बार बड़े तालाब में ज़रूर आएँ और यहाँ एक बार तैरने के जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो किसी भी तालाब में नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना।